हेलो स्टूडेंट्स ऑफ यूकेजी, आज हम लोग अपने होली मिड डे असाइनमेंट बुक हैप्पी वैकेशन में मैथ के दिए गए वर्कशीट टास्क को समझेंगे। वर्कशीट टास्क वन में हमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इसमें काउंटिंग नंबर 1 से 100 तक राइट करनी है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और इसे आपको 100 तक कंप्लीट करना है। नंबर टू में नीचे दिए गए हैं, इसमें 101 से 200 तक आपको कंप्लीट करनी है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 और इस तरह से इसे आपको 200 तक कंप्लीट करनी है। आगे वर्कशीट टू में आपको बैकवर्ड काउंटिंग, जो फॉरवर्ड काउंटिंग 1 से 100 लिखे हैं, ठीक उसके विपरीत रिवर्स काउंटिंग में 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 जो है यह लिखनी है, लेकिन ऐसे नहीं लिखनी है, सॉरी नीचे की ओर लिखनी है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 तो इस तरह से फिर यहाँ क्या हो जाएंगे, 90, 89, 88, 87 इस तरह से इसे आपको बैकवर्ड काउंटिंग को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हुए कंप्लीट करनी है। आगे वर्कशीट थ्री में भी आपको फॉरवर्ड काउंटिंग जो अभी 1 से 200 आपने इससे पहले अगर लिख लेंगे तो उसको बाद क्या करना है, उसी फॉरवर्ड काउंटिंग के नेक्स्ट 5 नंबर्स को लिखना है। जैसे 68 है, 68, 69, उसके बाद क्या होंगे, 70, 71, 72, 73, 74 फिर आगे दूसरे दिए गए जाएंगे 92, 93 तो 94, 95, 96, 97, 98 इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेनी है वर्कशीट थ्री को। आगे वर्कशीट फोर में भी आपको सेम क्या दिया गया है, काउंटिंग नंबर्स ये दिए गए हैं, इसको फॉर्म पूरा कंप्लीट करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसे आपको कहाँ तक, 50 तक इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वर्कशीट 1, 2, 4 जो है नंबर पर नंबर्स थे, काउंटिंग नंबर्स और बैकवर्ड काउंटिंग। वर्कशीट 5 में क्या होता है, नंबर कम्स जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, जस्ट बिटवीन। काउंटिंग नंबर आपने लोगों ने 1, 2, 200 अभी पढ़ी, उसको उसी के आधार पर हमें नंबर कम्स जस्ट बिफोर, 160 को ठीक पहले कौन सा नंबर, जस्ट नंबर कम्स जस्ट बिफोर 162 क्या होंगे, 161। नंबर कम्स जस्ट बिफोर 84 क्या होंगे, 84 से ठीक पहले 83 आते हैं। सेम है जाएंगे पढ़िए, नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 98 के ठीक बाद कौन से नंबर आते हैं, 99। नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 126 के बाद क्या आते हैं, 127। नंबर कम्स बिटवीन 2 और 3 क्या होंगे, सॉरी 2 और 4, 3 नंबर कम्स बिटवीन 2 और 4, 3 यहाँ आप ठीक कर देंगे, 3। नंबर कम्स बिटवीन 68 और 70 क्या होंगे, 69। तो इस तरह से इस वर्कशीट में दिए गए हैं, वर्कशीट 5 में उसे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सेम एज इसी तरह दिया गया है, क्या है, 6 में, जिसे आप लोगों को कंप्लीट करनी है। आगे वर्कशीट 7, वर्कशीट में नंबर्स और नंबर नेम लिखने हैं। 1, 2 आशा आप लोगों को 1, 2, 100 लिखने आती होगी नंबर नेम, उसी के आधार पर जैसे 9 है, 9 के लिए न्यूमरल क्या होंगे, न्यूमरल में यह 9 होगा, 38 का न्यूमरल होगा 38। उसी तरह अगर 13 दिया हुआ है 1, 3
इसको वर्ड में लिखना है, तो वर्ड में क्या लिखेंगे, जी एच आई आर टी डबल ई एन 30 होते हैं, इसको वर्ड में लिखना है, क्या लिखेंगे, टी एच आई आर टी वाई 30। तो इस तरह से ये नंबर्स और नंबर नेम वर्कशीट 7 को आप लोग करेंगे। आगे वर्कशीट 8, वर्कशीट 8 में ऑर्डिनल नंबर के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 के लिए फर्स्ट लिखते हैं 1st फर्स्ट, IRST फर्स्ट, सेकेंड 2 के लिए लिखते हैं सेकेंड ACCOND सेकेंड 2ND शॉर्ट फॉर, 3 के लिए THIRD थर्ड 3RD शॉर्ट फॉर। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ, ये सभी क्या हुए, ऑर्डिनल नंबर है। तो यहाँ आपको यहाँ पर क्या किया गया है, मैच करना है। यहाँ पर दिया गया है फिगर, या फर्स्ट हुआ या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स या सेवेंथ एट्थ नाइन्थ। अब हम इसमें यहाँ ढूंढना है कि यह दिया गया बुक कॉपी किस नंबर पर है, सिक्स पर। यहाँ पर किस में है, सिक्स पर। तो यहाँ इस बुक को कहाँ मिलाएंगे, सिक्स के सामने ऐसे मैच कर दिया गया है। या उसका पेन है, पेन किस पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर। तो यहाँ इसमें हम सेकेंड खोजेंगे, सेकेंड कहाँ है, यहाँ सबसे ऊपर, तो इसको ऐसे मैच कर देंगे। तो इस तरह से इसको मैच कर लेंगे स्केल से। आगे वर्कशीट 9, वर्कशीट 9 में पैलेस वैल्यू बतलाना है। जैसे यहाँ पर पैलेस वैल्यू लिखे गया 15 को है 1 tens, तो 1 tens यानी 10, 5 ones यानी 5, 24 1 tens, 2 tens 24 ones 4। तो इस तरह से इसमें भी दिए गए इस पैलेस वैल्यू को फिल करेंगे। आगे है वर्कशीट 10 में एडिशन बनाना। एडिशन काउंट करके बनाएंगे आप लोग, जैसे 8+5 है, कैसे आप काउंट करेंगे, यह 5 ले लिए, पहले वाली नंबर क्या है 8, उसके बाद काउंटिंग नंबर पढ़ना शुरू करेंगे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 30, तो 8 और 5 मिलकर क्या हो गया 30। आगे है 14+3, इसे भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे 3 ले लिए 14 के बाद पढ़ेंगे 15, 16, 17, तो 14+3=17। आगे इस तरह से जो एक्सरसाइज है आप लोग इस तरह से काउंट करके इसको एडिशन को बना देंगे। आगे है एडिशन इक्वेशन लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर काउंट करना है कि 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 फिल कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और उसके बाद टोटल इक्वल टू कितने होंगे, बिना ऐड किए भी हम इसको काउंट करके यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 4+5=9। तो यह काउंट कर करके सब में फिल कर देना है। आगे है वर्कशीट 12, वर्कशीट 12 में हमें काउंट करना है और कंपेयर करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर फिगर्स दिए गए हैं, एक बॉक्स में ढेर सारे एनिमल्स की फिगर दिए गए हैं, इस एनिमल में से हमें काउंट करना है। जैसे हाउ मेनी, फर्स्ट क्या है डियर, हाउ मेनी डियर, तो हम यहाँ काउंट करेंगे तो इसमें हम पाते हैं 4 डियर। हाउ मेनी बफेलो, 5 बफेलो। हाउ मेनी कॉ, 2। हाउ मेनी काउ, 7। तो इस तरह से आप खोलेंगे हाउ मेनी डियर यहाँ फिल कर देंगे, हाउ मेनी बफेलो यहाँ फिल करेंगे, हाउ मेनी कॉक यहाँ भी फिल करेंगे, हाउ मेनी काउ इस तरह से यहाँ इसमें फिल करेंगे। उसके बाद कंपेयर, व्हिच हैज द लोएस्ट, यहाँ फिगर दिया गया व्हिच हैज द मोस्ट डियर हेन बफेलो एंड काउ, तो हम पाते हैं कि कॉक जो है सबसे कम है, तो यहाँ इस पे कॉक पे टिक लगा देंगे। उसके बाद क्या है, व्हिच हैज द लोएस्ट, ओ सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है मोस्ट, तो मोस्ट के लिए क्या लगाएंगे काउ पर, लोएस्ट के लिए कॉक पर। हाउ मेनी मोर काउ देन कॉक, कॉक से काउ कितना अधिक है, तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्या होगा 5, तो यहाँ पर 5 फिल करेंगे। इस तरह से वर्कशीट 12 जो है आप लोग कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट
थर्टी। वर्कशीट 13 में हमें सब्ट्रैक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स दी है, जैसे यहाँ पर है कि 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। इसके दो तरीके हैं, जैसे पार्टी नंबर है 8, तो 8 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो काउंट करके 4 1 2 3 4 क्रॉस कर लेंगे, बाकी कितने बच गए 1 2 3 4 एंड 4 हो गया अपना आंसर। फिर क्या है, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, 7 लाइन ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, सब्ट्रैक्ट कितना है 3, तो काउंट करेंगे 1 2 3 3 लाइन क्रॉस कर दीजिए, बच गया कितने 1 2 3 4 या 4 लिख दिया। दूसरे भी तरीके हैं बैकवर्ड काउंटिंग करके, से भी हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, जैसे हमको किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, तो 4 ले लीजिए, उसके बाद किस में से करना है 8 से, तो 8 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे 7 6 5 4, तो 4 लिख देंगे आंसर। जैसे कि 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 ले लीजिए, ऊपर की नंबर क्या है 7, 7 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है 7 के बाद क्या होता है 6 5 4, तो 4। तो बैकवर्ड काउंटिंग करके भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे इस सब्ट्रैक्शन को आपको कंप्लीट करनी है। आगे है मिसिंग नंबर्स इन टेबल, वर्कशीट 14 में हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 10, इसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 10 कंप्लीट करना है। जैसे है कि 1 1s are 1 1 2s are 2 1 3s are 3 1 4s are 4 1 5s are 5 1 6s are 6 1 7s are 7 1 8s are 8 1 9s are 9 1 10s are 10। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करनी है, जैसे आप 2 का टेबल है तो 2 2 are 4 2 3 are 6 2 4 are 8 2 5s are 10 2 6s are 12 2 7s are 14 2 8s are 16 2 8s are 19 2 10s are 20। इसी तरह 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3 3s are 9 3 4s are 12 3 4 5s are 15। तो इस तरह से इसको टेबल को 3 6 9 12 15, इस तरह इस क्रम में आप टेबल लिखते जाएंगे, आप या जो है टेबल जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल की ग्रीड दी गई है वह आपको कंप्लीट हो जाएगी। आगे वर्कशीट 15 में आपको बनाना है डिवाइड, डिवाइड बनाने के लिए टेबल हम लोगों ने अभी लिखी है उसी टेबल पे आधारित बनाएंगे। जैसे यहाँ है 6 divide 3, तो 3 की टेबल इतनी टाइम पढ़नी है कि 6 से अधिक नहीं हो, तो 3 1s are 3 3 2s are 6, 2 टाइम में 6 आ गया तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 से 6 सब्ट्रैक्ट हुए 0। यहाँ 49 को डिवाइड करना है 7 से, क्या करेंगे 7 का टेबल पढ़ना प्रारंभ करेंगे, 49 से आगे नहीं पढ़नी है, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 8 21 28 7 5 21 42 7 7 49, तो 7 7 7 49 7 यहाँ लिखेंगे 49 9 यहाँ लिखेंगे 9 से 9 सब्ट्रैक्ट 0 4 से 4 0। तो इस तरह से जो सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर है और या तो 0 होगी या 7 से यहाँ पर छोटी आनी चाहिए डिवीजन में। तो इस तरह से डिवीजन की एक्सरसाइज को जो है आप लोग कंप्लीट करेंगे। आगे वर्कशीट 16 में आपको वॉच देखने आनी चाहिए, वॉच यहाँ दिए गए वॉच के टाइम को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है यार बजे कितने बजे है, इसमें 1 स्मॉल हैंड जो है 1 पर है, बिग हैंड कहाँ है 12 पर, जब वह स्मॉल हैंड 1 पर और बिग हैंड 12 पर होते हैं तो टाइम 1 ओ क्लॉक होते हैं। इस वॉच को देखिए, इसमें वो स्मॉल हैंड जो है 10 पे है और लॉन्ग हैंड जो है 3 पे है, तो 10 जो है स्मॉल हैंड या आवर्स को शो करती है और लॉन्ग हैंड मिनट को शो करती है, और मिनट हैंड जो है कितने पर है 3 पर है, तो इसकी वैल्यू 1 12 1 5 मिनट 1 से 2
5 मिनट यानी इसकी वन नंबर जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच के मिनट की वैल्यू जो है 5 मिनट के बराबर होती है। तो चूंकि यह 3 पर है तो 3 × 5 = 15 टाइम क्या हो गया 10 15। तो इस तरह से आप लोग उसको थोड़ा सीखेंगे और उसको मैच करना है। तो जैसे 12:15 कहाँ टाइम हुआ है, 12:15 जो है अपना आप वॉच देखेंगे तो यह 2 नंबर में मैच हो गए, तो इसको 12:15 को यहाँ मैच कर देंगे। 6:30 कहाँ है, इस वॉच में 6:30 है, 6:30 टाइम यहाँ 6:30 को यहाँ मैच करेंगे। 8:45 कहाँ पर है, 8:45 सबसे नीचे है तो 8:45 को यहाँ मैच करेंगे। 1 किस वॉच में बचते हैं, सबसे ऊपर वाले में, तो 1 को यहाँ ऊपर मैच करेंगे। उसके बाद 10:15 कहाँ टाइम हुआ है, तो 10:15 यहाँ हुआ है, इससे यहाँ मैच कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे मैच करेंगे। आगे जो है अपना वर्कशीट 17 में टाइम बतलाना है। जैसे टाइम मिडनाइट, रात की अर्धरात्रि जब आप लोग सो जाते हैं, मिडनाइट जो होती है 12 बजे रात, है ना, जिसको 24 आवर्स भी कहते हैं, 0 आवर्स भी कहते हैं। तो मिडनाइट के बाद जो टाइम शुरू होती है और दिन के नून यानी दोपहर के पहले वाली टाइम को जो है हम लोग AM के द्वारा डिनोट करते हैं, दिखलाते हैं। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। तो इस तरह से इसको हम लोग रात 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे 12 o'clock के पहले की टाइम को हम लोग AM कहते हैं और 12 noon के बाद की टाइम और midnight 12 के पहले की टाइम को PM कहते हैं, उसे पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। तो यहाँ पर उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है कि AM और PM क्या होंगे। जैसे क्वेश्चन है कि सौर्या बेंट आउट टू सी स्टार्स, सौर्या जो है स्टार्स देखने गई, बाहर गई, क्या स्टार कब दिखती है, शाम में। हम लोग जब जगे होते हैं उस समय अर्धरात्रि के बाद तो दोनों जाते नहीं है देखने, तो वह शाम में गई थी। कहाँ, सौर्या बेंट टू द सी द स्टार्स, तो क्या होगा, नून टाइम जो होंगे नून और मिडनाइट के बीच के होंगे, इसलिए इसमें यहाँ क्या लगाएंगे हम, PM। तो PM के सामने यहाँ टिक कर देंगे। आगे है व्हेन डू यू टेक डिनर, आप डिनर कब लेते हैं, तो ठीक डिनर रात की भोजन के कहते हैं, तो डिनर जो है हम कहाँ लेते हैं, 9 से 10 बजे के आसपास, तो वह भी टाइम जो होगा क्या होगा, PM होगा। उसी तरह अनु वेंट टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में स्कूल जाती है, वह क्या टाइम होगा, AM। तो इस तरह से आप इस बुक को फिल करेंगे, इस एक्सरसाइज को। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बुक हैप्पी वैकेशन फील करने में मदद मिलेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।